हेलो एंड वेलकम टू गेम ऑफ इलेक्ट्रिकल मैग्नेट। स्क्रीन पे आप देख सकते हैं ये सबमर्सिबल पंप का स्टार्टर है। इसमें से हम ये प्लंजर वाला कॉन्टेक्टर को निकाल के इसकी जगह पे हम लगाएंगे दूसरा कॉन्टेक्टर। ये ब्लॉक वाला कॉन्टेक्टर हम इसकी जगह पे लगाएंगे। इसका जो ऑपरेटिंग कॉइल है वो 220 का है। ये 50 mAh का रनिंग कैपेसिटर है हेवेल्स कंपनी का, और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर है 120 से 150 जो कि मोटर को स्टार्ट करने के लिए। ये सीटी कॉइल है जो कि एम्पियर मेजर करेगा, और ये मीटर है जिसमें एम्पियर भी बताएगा और वोल्टेज भी। और ये दो पुश बटन है एनओ और एनसी। ये राउंड वाला एनसी है और ये एनओ है चारों के चारों पॉइंट इसमें। और ये देख सकते हैं यहाँ पे ये एम्पियर, यहाँ पे वोल्टेज, ये स्टार्ट और ये स्टॉप। यहाँ पे देखेंगे तो इनपुट है फेस न्यूट्रल है, ये आउटपुट है BYR जो कि मोटर का वायर होगा, और ये पावर सप्लाई इनपुट है 220 फेस और न्यूट्रल। तो इसी में हम कनेक्शन करेंगे इसका कंट्रोल वायरिंग और पावर वायरिंग। तो सबसे पहले क्या करना है कि आपको कॉन्टेक्टर को अच्छे से फिट कर लेना है पूरी कंप्लीट तरीके से। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने नट बोल्ट लगा के इसको कंप्लीट फिट कर दिया, ये हिल नहीं रहा है। और उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे तीन पॉइंट दिया कॉन्टेक्टर में, 1, 2 और 3। तो इनमें हम क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे देखेंगे आप लिखा है BYR, तो इसी के हिसाब से हम यहाँ पे आउटपुट वायर को कनेक्ट कर देंगे कॉन्टेक्टर में। यहाँ पे BY और इसके बाद R, और ये न्यूट्रल और ये फेज। ब्लैक वाला न्यूट्रल हो गया और ये रेड वाला जो है वो फेज हो गया। और यहाँ पे ये हम तीन वायर जो मोटर का आउटपुट है उसको लगा देंगे। ये हमने लगा दिया, आप देख सकते हैं यहाँ पे BYR ये मोटर का आउटपुट हो गया। उसके बाद क्या करेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पे जो कैपेसिटर का वायर है, रनिंग कैपेसिटर और स्टार्टिंग कैपेसिटर, इन दोनों के वायर को एक साथ जोड़ के हम कॉन्टेक्टर के बीच वाले पॉइंट में लगा देंगे, ताकि ये जो दोनों कैपेसिटर का पावर है वो मोटर के येलो वाले वायर में आए। उसके बाद जो रनिंग कैपेसिटर का दूसरा वाला वायर है उसको हम न्यूट्रल के साथ यहाँ पॉइंट पे लगा देंगे। रनिंग कैपेसिटर का और न्यूट्रल का पावर मोटर के रेड वाले वायर में आएगा, उस हिसाब से लगा देंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पहले मैंने स्टार्टिंग और रनिंग का जो एक साथ किया था उसको लगा दिया है बीच वाले पॉइंट में। अब यहाँ पे साइड वाले पॉइंट में न्यूट्रल के साथ कनेक्ट करके रनिंग वाले कैपेसिटर का वायर को लगाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये न्यूट्रल वाला वायर है, इसको हम रनिंग कैपेसिटर के साथ कनेक्ट करके एक लूप लेंगे, और जो कॉन्टेक्टर का A1 टर्मिनल है ये देख सकते हैं यहाँ पे कनेक्ट करेंगे ताकि कॉन्टेक्टर को ऑपरेट किया जा सके। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने लगा दिया है न्यूट्रल और लूप करके A1 टर्मिनल पे हमने कनेक्ट कर दिया एक वायर को। अब जैसे A2 टर्मिनल पे फेस सप्लाई देंगे तो कॉन्टेक्टर हमारा ऑपरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे A2 टर्मिनल है, और ये कॉन्टेक्टर को ऑपरेट करवाने के लिए A1 और A2 पे फेस न्यूट्रल देना जरूरी है, तभी कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा। और ये स्टार्टिंग कैपेसिटर का दूसरा वाला जो वायर है उसको हम ये पुश बटन में लगाएंगे। ये दोनों रेड वाला देख सकते हैं इधर NO है, और वो ग्रीन वाला भी दोनों NO है। तो हम इधर ग्रीन वाले में ये कैपेसिटर का वायर को लगा देंगे, और जो दूसरी वाली साइड है पॉइंट वहाँ से हम एक वायर को लूप करके और कॉन्टेक्टर के ए वाले टर्मिनल पर लगा देंगे, यानी न्यूट्रल वाले के साथ कनेक्ट कर देंगे। तो चलिए देखिए यहाँ पे हमने कर दिया है कनेक्ट, ये कैपेसिटर का वायर है और यहाँ से ग्रीन वाला लूप करके हमने A1 पे लगा दिया है। अभी यहाँ से हमारा जो दोनों कैपेसिटर का वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब ये जो हमारा इनपुट फेस है उसको हम यहाँ पे लगाएंगे कॉन्टेक्टर के, जो कि मोटर के ब्लू वाला जो कॉमन है उसमें जाएगा, और ये सीटी कॉइल को इसी के अंदर लगा देंगे इस जो मेन इनपुट है इसके साथ। तो आप देख सकते हैं हमने लगा दिया है इनपुट वाले वायर को, और यहाँ से ये कॉन्टेक्टर। अब ये मोटर के ब्लू वाले फेस को सप्लाई देगा यहाँ से, और यहाँ से हमने एक लूप करके ये पुश बटन के एनसी में कनेक्ट करेंगे। और ये आप देख सकते हैं मीटर का फेस और न्यूट्रल जो है, ये हम फेस हमने यहाँ से ले लिया, लूप किया यहाँ से, और न्यूट्रल हम A1 टर्मिनल से ले लेंगे। अब ये लूप किया हुआ जो फेस वायर है वो एनसी के पॉइंट में लगाएंगे, और एनसी से जो आउट होगा वो NO में आएगा, और NO से एक लूप लेके कॉन्टेक्टर के A2 टर्मिनल पर लगाएंगे। और ये फेस यहाँ से आ गया लूपिंग वाला वायर से मीटर का, और देखेंगे ये फेस ये लूप कर के यहाँ से आया और न्यूट्रल A1 टर्मिनल से आया है, तो इससे हमारा मीटर स्टार्ट हो जाएगा। और यहाँ पे देखेंगे ये हमारा NO पॉइंट है, और इसके सामने ये भी हमारा NO पॉइंट है। और उसके बाद यहाँ से आप देखेंगे यहाँ से हमारा ये फेस वायर आया NC पॉइंट में, NC का जो दूसरा वाला पॉइंट है इसमें से एक वायर लूप करके NO पॉइंट में, और NO पॉइंट से एक वायर लूप करके ये जो वायर है ये जाएगा कॉन्टेक्टर के NO पॉइंट में, जो कि होल्डिंग के लिए है, कॉन्टेक्टर को होल्ड करेगा। उसके बाद जो NO का ये वाला पॉइंट है यहाँ से एक वायर को लूप लेंगे, और जो यहाँ पे NO है इस पॉइंट में लगाएंगे, और यहाँ से एक लूप करके A2 टर्मिनल पे वायर देंगे। कुछ इस तरीके से यहाँ से देख सकते हैं यहाँ पे हमने वायर लगा के और यहाँ पे NO पे दिया है, और NO से लूप करके A2 टर्मिनल पे कनेक्ट कर दिया, जिससे हमारा कॉन्टेक्टर ऑपरेट होगा कम्प्लीटली। और ये वायरिंग कम्प्लीट हो गया, अभी जितनी भी वायरिंग है ये वायरिंग कम्प्लीट हो गई है। अब आइए इसको टेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम इसको इनपुट सप्लाई देंगे और इसके बाद चेक करेंगे। तो आइए पहले हम वायर कनेक्ट कर देते हैं सिंगल फेस। तो हमने वायर लगा दिया यहाँ पर, अब इसको हम सप्लाई देते हैं यहाँ बोर्ड में लगा के, और हमने स्विच ऑन कर दिया। अब आइए पुश बटन को चालू करके देखते हैं।
यहाँ पर आप देखेंगे कॉन्ट्रेक्टर ऑपरेट हो गया है, मीटर हमारा ख़राब है इसलिए इंडिकेट नहीं कर रहा है। ये कॉन्ट्रेक्टर आप देख सकते हैं काम कर रहा है एकदम परफेक्ट। ये हमारा होल्ड हो गया, अभी देखेंगे ये ऑफ हो गया। तो अब आइए इसको चालू करके देखते हैं मोटर पे लगा के। हमारे पास समरसिबल नहीं है तो हम थ्री फेज का मोटर लगा दिया यहाँ पे। अब इसको चालू करके देखेंगे, यहाँ पे हमने प्लग लगा दिया है। अब आइए इसके बटन को चालू करते हैं, अब देखेंगे मोटर हमारी रन कर रही है, कॉन्ट्रेक्टर परफेक्ट काम कर रहा है। और अच्छे से आप देखेंगे पास में जूम करके, ये कॉन्ट्रेक्टर चिपक गया, मोटर स्टार्ट हो गई, मीटर काम नहीं कर रहा है, मीटर ख़राब है पहले से ही। मैंने बस आपको वायरिंग करने के लिए समझाया इस मीटर को। अब देखेंगे ये कॉन्ट्रेक्टर चालू है बंद है, चालू बंद दोनों हो रहा है, यानी परफेक्ट काम कर रहा है ये। तो इसी तरीके से आप भी वायरिंग कर सकते हैं। अब क्या करना है, इसको अच्छे से ड्रेसिंग कर लेना है। आप देख सकते हैं मेरे पास छोटे छोटे टाई है, इसको हम अच्छे से ड्रेसिंग कर लेंगे एकदम कम्प्लीटली ताकि अच्छा दिखे। आप देख सकते हैं यहाँ पर मैंने ड्रेसिंग कर दिया स्टार्टर की, पूरी वायरिंग ड्रेसिंग हो गई है कम्प्लीटली। अभी भी कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, कुछ समझ में ना आया हो तो। दोस्तों अगर जो आप यहाँ पे ओवरलोड रिले लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, सारी वायरिंग सेम रहेगी, बस यहाँ से जो मोटर के आउटपुट वाले वायर है उनको निकाल देना है और इनकी जगह पे ओवरलोड रिले लगा देंगे। और उसके बाद ओवरलोड रिले में ये तीन वायर लगा देंगे मोटर के आउटपुट वाले। उसके बाद ये जो हमारा पुश बटन है एनसी वाला, इसमें से जो इनपुट वायर है उसको निकाल के रिले के 95 वाले नंबर का जो पॉइंट है उसमें लगाएंगे जो कि एनसी पॉइंट होता है, और 96 वाले से निकाल के वापस यहीं एनसी पॉइंट में पुश बटन के लगा देंगे। बस इतना चेंजिंग करना पड़ेगा, बाकी की सारी वायरिंग सेम रहेगी। ओवरलोड रिले लगा के आप अपनी मोटर को सेफ्टी दे सकते हैं, बाकी तो ऊपर वाला है ही है, क्योंकि जो भी होगा अच्छे के लिए होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और हमारे चैनल को सपोर्ट करना ना भूलें।